Good morning, students. You are welcome in RC Education Hub. Today we are going to start a new topic in the leaves. And that topic is types of leaves. मतलब कि अब इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर जो है अपन ने वेनेशन के बारे में बात की थी कि वेनेशन होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ इज नोन एज वेनेशन, वेनेशन की टाइप्स के बारे में बात की थी कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं और मोनोगोट्स में कौन सा वेनेशन पाया जाता है, डायगोट के अंदर कौन सा वेनेशन पाया जाता है। तो वेनेशन के बारे में बात करने के बाद में नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ लीव्स। जो बेसिकली जो लीव्स होती हैं अपने सराउंडिंग के अंदर जो भी लीव्स पाई जा रही हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। दीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन इज अ सिंपल लीव्स एंड नंबर सेकंड इज कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स क्या होती हैं, लाइक दिस इज द लीव। ऐसी लीव जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई इंसिजन नहीं है, इंसिजन इन द सेंस कटाव, मतलब कि लीव कहीं से भी कट नहीं रही है और कट भी रही है दैट इंसिजन इज नॉट रीचिंग टू द मिडरिब, दैट इंसिजन इज नॉट रीचिंग टू द मिडरिब, दैट टाइप ऑफ लीव्स आर नोन एज सिंपल लीव्स। ऐसी लीव्स जिनके अंदर किसी भी प्रकार का इंसिजन नहीं पाया जा रहा है, लीव कहीं से कट नहीं रही है और इंसिजन पाया भी जा रहा है, दैट इंसिजन इज नॉट रीचिंग टू द मिडरिब, इंसिजन जो है कहीं से भी मिडरिब को नहीं पहुंच पा रहा है, that type of leaves are known as simple leaves। इस प्रकार की जो है leaves को अपन क्या बोलते हैं, simple leaves बोलते हैं। इसके examples just like mulberry, I have example, this is the leaf of mulberry, जिसके अंदर आप easily observe कर सकते हो, this is the kind of simple leaf, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई incision नहीं हो रहा है, कटाव नहीं हो रहा है, अगर कटाव हो भी रहा है, this is not reaching to the midrib, midrib तक नहीं पहुंच पा रहा है, that type of leaves are known as simple leaves। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे टाइप की लीव्स, दीज आर कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स क्या होती हैं, ऐसी लीव्स जिनके अंदर इंसिजन हो भी रहा है और इंसिजन कहां तक पहुंच रहा है, मिडरिब तक, कहां तक पहुंच रहा है इंसिजन, मिडरिब तक, दैट टाइप ऑफ लीव्स आर नोन एज, that type of leaves are known as compound leaves। ऐसी leaves जिनके अंदर incision हो भी रहा है, suppose that I have a simple leaf, इसको मैंने यहाँ से काट दिया है, this is incised, अगर ये incision के बाद में ये incision कहाँ तक reach कर रहा है, midrib तक, midrib तक जैसे ये incision reach करेगा, now this leaf is converted into compound leaves। और compound leaves के अंदर जो है जो main leaf थी उससे बहुत सारी छोटी छोटी leaves बन जाती हैं, and these are known as leaflets। उनको अपन बोलते हैं leaflets, जो कि किस तरीके से बनती हैं, main leaf के अंदर incision होता है और incision जो है midrib तक पहुंच जाता है और वो main leaf जो है छोटी छोटी leaves के अंदर convert हो जाती है, and these smaller leaves are known as leaflets, जैसे switches के अंदर दिख रही है। अब incision जो है compound leaves के अंदर वो भी दो तरीके का होता है, एक तो क्या होता है कि incision हो रहा है और incision केवल midrib तक ही पहुंच पा रहा है, that is the number one, और second क्या है कि incision हो रहा है और incision जो है कहां तक पहुंच रहा है, petiole तक। अगर incision petiole तक पहुंच रहा है, that is the another kind of compound leaf। ऐसे leaf जिसके अंदर incision हो रहा है और होने के बाद में it is reaching to the midrib, that type of leaves are known as pinnately compound leaves। उनको अपन क्या बोलते हैं, pinnately compound leaves, and its example are knee and rose and many more plants like acacia etc, जो भी अपन देखते हैं surrounding के अंदर plants, these are the examples of pinnately compound leaf। ऐसी leaf जिसके अंदर incision हो रहा है और incision केवल midrib तक पहुंच रहा है, incision केवल कहां तक पहुंच रहा है, midrib तक, that type of leaves are known as pinnately compound leaves, and these newly formed leaves are known as leaflet, these newly formed leaves are known as leaflets। और ऐसी leaves जिनके अंदर incision हो रहा है और incision होने के बाद में like this, this is we have this leaf, इसके अंदर जो incision हो रहा है, this incision is reaching,
to the lamina. This incision is reaching to the lamina. That type of leaves are known as palmately compound leaves, and its example are lemon and oxalis. Iski jo example hai lemon de rakha hai aur oxalis. So this is all about the types of leaves. Leaves ko incision ke behalf pe do types ke andar divide kar rakha hai. Number one is the simple leaf, no incision. If the incision is, then it is not reaching to the midrib. And second is compound leaf. The incision is taking place. It may be till the midrib. It may be till the petiole. On the basis of this, the compound leaves is divided. Compound leaves are divided into two types. Number one is pinnately compound leaf, and number second is palmately compound leaf. In pinnately compound leaf, incision is taking place, but it is reaching to the midrib. And second is palmately compound leaves. The incision is taking place, and it is reaching to the petiole. So that is all about the types of leaves. Thank you.